जन्माष्टमी की कहानी। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था, जो अपने लालच और अन्याय के लिए बदनाम था। अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करने के बाद आसमान में से एक भविष्यवाणी हुई। कंस, देवकी और वासुदेव का आठवां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर गुस्से में कंस ने नए विवाहित जोड़े को कैद कर लिया। एक के बाद एक कंस ने देवकी के साथ बच्चों को मार दिया। जब देवकी के आठवें बच्चे का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई। उस आवाज ने कहा, इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहां पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान से बदल दो। इसके बाद वसुदेव ने देखा कि उनके हाथों की बेड़ियां खुल गई। उन्होंने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और एक टोकरी में डालकर चल पड़े। कारागार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में थे। जब वसुदेव ने सिर पर टोकरी लिए तूफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधे से ऊपर नहीं उठा। जब उन्हें परेशानी हुई तो एक 10 सिर वाले सांप ने छतरी बन बच्चे को बारिश से बचाया। वसुदेव को यह सब देखकर समझ आया कि उनका बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं था, वो दिव्य था। नंद के घर पर अपने बेटे को रख कर वसुदेव यशोदा की बेटी को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस वहां पहुंचा और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बच्चे ने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया और कहा, हे दुष्ट, तू जिसे मारना चाहता है वह देवकी का आठवां पुत्र जन्म ले चुका है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। बालक कृष्ण यशोदा द्वारा प्यार से पाले गए और आगे चलकर उन्होंने कंस को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनाया। और इसलिए हर साल हम भारत भर में कृष्ण का जन्म यानी कि जन्माष्टमी मनाते हैं।